दोस्तों अक्सर हमारे जो भाई हैं या बहनें हैं जो घरों में काम करती हैं उनको ये परेशानी होती है कि हम ये शर्ट या शलवार कमीज़ के लिए कफ हम कितना लें या किस हिसाब से हम कफ लेंगे कि एकोरेट हमारा कफ सही आए तो मेरी ये वीडियो मेरे उन्हीं बाई भाइयों और बहनों के लिए है तो कफ काटने के लिए चार फार्मूले हैं यानी कफ को चार चीज़ों की मदद से काटा जा सकता है तो इस वीडियो में मैं आपको बयान कर देता हूँ देखें सबसे पहले कलर के नाप की मदद से हम कफ को काटते हैं नंबर दो छाती के नाप को देख कर नंबर तीन तीरे के नाप को तकसीम करके और नंबर चार कलाई की को नाप कर तो पहले नंबर पे कलर के नाप की मदद से हम किस तरह कफ को काटते हैं तो कलर का नाप आपने लेकर कलर को दो पे तकसीम करना है और उसके साथ पौने दो इंच जमा कर दें मसलन कलर चौदह इंच है इसको दो पे तकसीम करें तो सात आते हैं अब इसके साथ आपने पौने दो इंच जमा कर देना, है तो पौने नौ इंच आएगा ये लूजिंग में आपका कफ होगा और अगर फिटिंग में चाहिए तो इसके साथ डेढ़ इंच जमा करें नंबर दो चाती के नाप को छः पर तकसीम करके इसके साथ पौने तीन इंच जमा कर दें तो जो जवाब आएगा वही आपका कफ होगा मिसाल के तौर तो पर छत्तीस चाती है इसको छः पे तकसीम करें तो ये छः इंच आएगा अब इसके साथ आपने पौने तीन इंच जमा कर देना है तो पौने नौ जवाब होगा यही आपका कफ है अब तीसरे नंबर पर आप तीरे के नाप को देख कर भी इसकी मदद से आप कफ काट सकते हैं मसलन तीरे के नाप को आधा करें तो ये कफ होगा यानी तीरा अठारह इंच है इसको आधा करें तो नौ जवाब आएगा यही हमारे पास कफ होगा इसी तरह आप बीस जाति को ले लें तीरे को ले ले, तो उसको भी अगर आप आधा करेंगे तो ये दस जवाब आएगा चौथा तो और आखिरी तरीका ये है जो कि मुझे खुद भी पसंद है कि कली को नाप कर इसके साथ दो इंच जमा करें जो जवाब आए वही आपका कफ़ होगा मिसाल के तौर तो पर आपने कलई को ऑल राउंड नाप लिया तो सात इंच कलई थी। अब इसके साथ आपने दो इंच जमा करना है तो ये नौ इंच हो जाएगा